Hi everyone, this is Sneha Sharma. So today is Gandhi Jayanti, Babu of the Nation, Hindustan ke father of the nation ka birth anniversary hai. Okay, so he was born on Porbandar on 2nd of October 1869. Okay, Porbandar, Gujarat ke Porbandar area mein ye unhone janam liya tha aur and he was died on 30th January 1948. Azadi ke kuch time baad hi inki हत्या कर दी गई. लेकिन हम इनका बर्थडे क्यों मनाते हैं? व्हाई ही सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एंड फॉर अदर कंट्रीज एज वेल. गांधी जी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, क्या ऐसा इम्पोर्टेंट किया उन्होंने कि उन्हें सिर्फ इंडिया में नहीं कितने देशों में, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में रिकॉग्निशन मिला. इतना इंस्पायर होते हैं लोग उनसे, उनकी पर्सनैलिटी से. इन गांधी जी के प्रिंसिपल्स की बात करें, उनकी सेइंग्स की बात करें, हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ, हाउ ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फ्रीडम नेशनल मूवमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज अ लॉयर, ओके, एंड एंटी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर एंड स्पेशली ही वॉज अ गुड चेंजर, जिन्होंने सोशल लेवल पे एक ऐसा चेंज लाया जिसके लिए हम इतना मोटिवेट होते हैं फॉर टू गिव हिम अ रिस्पेक्ट. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई ही गेट सो मच रिकॉग्निशन. ओके, सो ऐसा उन्होंने क्या यूनिक किया जिसकी वजह से कोई और पॉलिटिकल लीडर, कोई और कांग्रेस लीडर को इतना इतना नाम और इतनी रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरी सोसाइटी, फ्रॉम एवरी रीजन, फ्रॉम एवरी कंट्री नहीं मिला है. ओके, सो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे राजघाट में, दिल्ली में, जहाँ पे उनका क्रीमेशन हुआ था, वहाँ पे उनको एक मेमोरियल है एंड उनको हम याद करते हैं और होमेज प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो गांधी जी ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, लाइक मदर टेरेसा ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ इंडिया. ओके, सो इतना बड़ा टाइटल उनको कैसे मिला? मैनी मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, आफ्टर दैट सेल्फ रूल, स्वराज, और अपनी कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी और डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू उन्होंने कैसे ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाला, जो एक हमारी पेरेंट कंट्री थी. ओके, ही वॉज ट्राइड डिफरेंट पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज टू एंड द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. सो बिफोर इंडिपेंडेंस ही वॉज अ लॉयर. ओके, व्हेन ही वॉज बॉर्न एंड वेंट टू लंदन फॉर हिज लॉ स्टडीज, आफ्टर दैट ही विल रियलाइज एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर द वर्क ऑफ रेसिज्म. लेटर ही वॉज रियलाइज दैट देयर इज लॉट्स ऑफ रेसिज्म दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल, हाउ मच दे सफर, स्पेशली जो उन लोगों पर अत्याचार होता था, स्पेशली उसमें इंडियंस भी थे. सो इंडियंस वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका. वहाँ पर उन्होंने अपनी टेक्निक से, अपनी तरीके से जो चेंजेस लाए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में, उसके बाद इंडिया में जब ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिशर्स इवन फॉर द ट्रेडिंग पर्पस और फॉर कंट्रोलिंग एंड कंप्लीट कंट्री विच वॉज यू नो विच वॉज in a pieces of different empires, kingdoms. So there was no unity present in a different empires in India. Jo wahan ke raja the, rajkumar the. Okay, so inheritance present tha. There was no unity. Jiski wajah se jo hamare European ke invasions the, wo itna badh chuke the, itna zyada successful ho gaye the India mein, jiski wajah se Gandhi ji ko step lena pada. और भी लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आईएनए स्टार्ट किया. ओके, सो अब हम बात करते हैं व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि उनके डेथ के इतने साल बाद भी हम उनको इतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, वही टाइटल देते हैं और इतना ही याद करते हैं और मोटिवेट होते हैं. क्यों कहते हैं? सबसे पहले गांधी जी ही वॉज अ सिंपल मैन. ओके,
he was involved in every sections of society. जब farmers का protest होता है, laborers का protest होता था, या फिर women's participation की बात होती है, या फिर हमारी lower caste और lower society से जो discriminated people है, even untouchability को उन्होंने tackle करने की कोशिश की. So with a weapon, with a weapon of non-violence, changing policy and satyagraha, he used these weapons to change our society and to get complete independence, full swaraj from British rulers who were kind of barbers. जो हमारे रॉ मटेरियल को यूज करके हमें ही हाई प्राइसेस पे बेचते थे. वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते थे और उनकी इंडस्ट्रीज में वो एक प्रोडक्ट बनता था और वापस बहुत सारे राइज के बाद, बहुत सारे प्राइस इंक्रीज के बाद वो हमें ही भेज दिया जाता था, क्योंकि इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल, लॉट्स ऑफ लेबर फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक अफ्रीका में जैसे स्लेव सिस्टम था तो स्लेव्स यूज होते थे एंड इंडिया इज अ ह्यूज प्लेस फॉर मार्केट एज वेल एज फॉर लेबर. सो उनको एक ऐसी इंडस्ट्रीज मिल गई थी जहाँ पे वो कंट्रोल करके अपना काम करके प्लस उन्हीं लोगों से काम करवा के हाई प्राइस पे उनको बेच सकते थे. सो दिस इज द मोटो ऑफ ब्रिटिशर्स टू सेटल इन कंट्री लाइक इंडिया where they have huge market for selling their products and there are lots of labor for their man work. And after that, when Gandhiji realized he came back from South Africa, and later he was realized there is something unusual, something wrong is happening in India. After that, he participated in different mass movement, whether it's salt movement, jab Britishers ne salt pe टैक्स लगा के उसका रेट हाई कर दिया, वेदर इट इज दांडी मार्च इन 1930s, वेदर इट इज लेबर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब उनका प्रोटेस्ट है, या फिर इंडिगो प्लांटेशन की अगर हम बात करें फार्मर्स का, सबसे ज्यादा आप सोच सकते हो वुमेन्स हो, चिल्ड्रंस हो, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज पार्टिसिपेटेड इन हिज मूवमेंट्स. सो कितना मास उन लोगों को फॉलो करता था, इतना किसी का भी नहीं रहा था. दैट्स वाई ही वॉज सो पॉपुलर, ही बिकेम सो पॉपुलर. एंड आफ्टर दैट, जब ब्रिटिशर्स के हेड्स डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर जनरल्स को ये पता पड़ा कि देर इज अ पर्सन एम के गांधी हु इज चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज, हु इज चेंजिंग देयर गोल्स टू ड्रोन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, सो उन्होंने ऐसे बैरियर्स लगाए, उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन एक यूनिक तरीका नॉन वायलेंस का. सो ब्रिटिशर्स वर वायलेंट, वो अत्याचार करते थे इंडियंस पे, यहाँ के लोगों पे, बट गांधी जी सेड दैट वायलेंस का, अगर हमें वायलेंस रोकना है तो वायलेंस के तरीके से ना रोका जाए. तो हमें स्मार्ट मूव करना है. उसके साथ साथ उन लोगों ने क्या करा, हार्ड चेंजिंग पॉलिसी को इस्तेमाल करा. एक केस में जब कुछ ब्रिटिशर्स हेड्स आते हैं और पुअर लेबरर्स को अपने हाथ से मारते हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि आप मार खाओ, एक टाइम पे वो उनका दिल पिघल जाएगा और वो आपको मारना बंद कर देंगे. दिस इज रियल स्टोरी, इट्स इन हिज बुक. इट मीन्स के आप एक हार्ट चेंज कर रहे हो, आप उनको रियलाइज करवा रहे हो कि आप कितने क्रूअल हो. सो दीज काइंड ऑफ वेपन, दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज वर यूज बाय हिम इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे. उन्होंने कई सारी वर्ल्ड वॉर टू ऐसी कंडीशंस का फायदा उठा के, जब हम ब्रिटिशर्स को जरूरत थी फ्रॉम आर्मी मैन और फ्रॉम द मैन फोर्स फ्रॉम इंडिया, उस चीज का फायदा उठा के वी गॉट इंडिपेंडेंस. लोग कहते हैं गांधी जी नहीं होते तब भी हमें इंडिपेंडेंस मिलती. कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी इज वन ऑफ द फैक्टर बट ही इज नॉट द मेजर फैक्टर. बट इन माई ओपिनियन, इफ अगर हम अपनी ओपिनियन की बात करें, सो ही वॉज अ लीडर हु लीड्स मास ऑफ द पीपल बिहाइंड हिम, नॉट बिहाइंड equal to him, whether it's women, untouchables, Harijans, children, everyone is following him. So why it happened? It happened because of his popularity,
And he was very simple. He was very adjusting in the common man. Okay. तो उन्होंने अपने हाथों से क्लीन किया, अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ एक साथ करके देखा। ये उनका जो नज़रिया था एक कॉमन इंसान बनके, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है या जो लोग पीड़ित हैं या जो लोग बहुत ही लोअर सेक्शन से आते हैं, उनका दर्द खुद की तरह समझना। दैट्स वाई लॉट्स ऑफ पीपल, मास ऑफ द मूवमेंट्स वो हैपन एंड they were following him for just to get freedom from this British cruelty rule. Okay, so this is all about him and his work. So this is today's video on Gandhi Jayanti. For the respectful and ideals of many many millions of people and including me, so this is all about Mohandas Karamchand Gandhi, M.K. Gandhi, the father of nation. So just comment me and tell me how would you like the video, and just stay safe and healthy. Thanks for watching.